नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे। ये कड़ी पत्ता का प्लांट है जिसे कि आप मीठी नीम के भी नाम से जानते हैं। ये मूल रूप से भारतीय प्लांट है और भारत के हर राज्य में ये पाया जाता है। इसे पूरे भारत में बहुत ही पसंद किया जाता है इसके स्वाद और इसके हेल्थ बेनिफिट के कारण। तो चलिए आज हम कड़ी पत्ता के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि इस प्लांट को कैसे हम ग्रो करें, कैसे बूसी प्लांट बनाएं, इसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी ग्रोइंग पीरियड की। तो देखिए, ये मार्च का स्टार्टिंग है, आज 3 तारीख है और इसकी ग्रोइंग देखिए। इसकी हमने पहले से प्रूनिंग कर दी थी, कटिंग कर दी थी और हर नोड से इसकी नई नई पत्तियां निकल रही हैं। इसे देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि वसंत ऋतु आ गया है। बहुत अच्छी कोमल कोमल पत्तियां निकल रही हैं। इसकी पिंचिंग करते रहिए, ये बहुत ही ज़्यादा घना और बूसी हो जाएगा। नवंबर से लेकर जनवरी तक इसकी डोरमेंसी पीरियड होती है, तब तक ये रेस्टिंग मोड में होता है और इसकी सारी पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। अगर पत्तियां लगी भी रहती हैं तो वो पीली हो जाती हैं, उसे हटाना होता है और फिर इसकी ग्रोइंग पीरियड फरवरी से स्टार्ट हो जाती है। तो फरवरी और मार्च में हमें इस पर बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जिसे मैं आगे बताऊंगी, ताकि आपका प्लांट पूरे साल हेल्दी रहेगा और आपको बहुत अच्छी पत्तियां प्रोवाइड करेगा। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज की बात करें तो हजारों हैं, जिसका कि अनगिनत ही आपको फ़ायदा होता है। चाहे हेयर की बात करें, स्किन की बात करें या फिर ओवरऑल हेल्थ की बात करें, इसकी पत्तियां हर जगह यूज होती है। देखिए, जैसा कि मैं इस गमले में आपको दिखा रही हूँ, ये डोरमेंसी पीरियड से बाहर अभी नहीं आया है क्योंकि हमने इसकी कटिंग नहीं की है। हमने पहले वाले प्लांट की कटिंग कर दी थी, तो आज मैं इसकी सारी पत्तियां हटा रही हूं ताकि ये अपनी सारी एनर्जी नई ग्रोथ पे लगा सके। और जितने सारे एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं उन्हें भी हटा दीजिए। नीचे जो गमला गंदा सा है जिसमें पत्तियां ढेर सारी नज़र आ रही हैं और गंदगी नज़र आ रही है, तो उसे भी आप साफ कर दीजिए और फिर इसमें हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। देखिए, जब ये प्लांट बिल्कुल डोरमेंसी में होता है तो आपको ऐसे लगता है जैसे ये प्लांट खराब हो गया है, लेकिन जब आप इसको हल्के से ऐसे खुरच के देखेंगे तो अंदर से ये ग्रीन दिख रहा है, मतलब आपका प्लांट अभी बिल्कुल सही है और बस थोड़े ही दिनों की बात है इसमें ढेर सारी पत्तियां भर जाएंगी। देखिए, हमें इसे साफ करने का आसान तरीका है क्योंकि हमारे गमले में ढेर सारे प्लांट है, तो उसमें से निकालना आसान नहीं होता इतने सारे रूखे सूखे पत्ते। मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि सारी पत्तियां ऊपर की ओर आ जाए और फिर उसे निकालना आसान हो जाए। इस तरह से हमने इस गमले को पूरी तरह से साफ कर दिया। देखिए, अब बिल्कुल साफ हो गया है और अब इसमें हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे। इसकी हम सॉइल की बात करें तो बिल्कुल वेलड्रन होनी चाहिए, उसमें आप सैंड की मात्रा अच्छे से मिला दीजिए, साथ में कंपोस्ट भी अच्छे से होनी चाहिए। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप यूज कीजिए जो कि ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि इन पत्तियों को हम खाने में यूज करेंगे तो इसे हम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देंगे और जितनी भी हो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देंगे। इसके अंदर आयरन की मात्रा अच्छी सी बने रहे इसके लिए इसके अंदर एक लोहे की कील हम इस पॉट में लगा देते हैं और जब भी आप पानी डालिएगा इससे उसे आयरन की मात्रा मिलती रहेगी। ये एक सीक्रेट टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ, यूज करके देखिएगा, आपका प्लांट काफी हेल्दी रहेगा। पॉट की बात करें तो उसमें ड्रेनेज होल अच्छी होनी चाहिए, साथ ही अगर आपकी मिट्टी की पॉट है तो ज्यादा अच्छी है, अगर नहीं है तो सीमेंट या प्लास्टिक का पॉट भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ये सारी पत्तियां अब हम इसे पत्तियों की खाद बनाने के लिए डाल देंगे। ये सन लविंग प्लांट है क्योंकि ये पूरे दिन की धूप चाहता है। अगर आप इसे शेडी एरिया में रख देंगे तो इसके पत्तियों की ग्रोथ नहीं होगी अच्छी और प्लांट बहुत लेगी सा हो जाएगा, लंबा सा हो जाएगा और ऊपर में थोड़ी सी पत्तियां दिखेंगी। तो ये फुल सनलाइट में रखा रहे तभी प्लांट आपको हेल्दी भी बनाएगा और ये अपना खुद भी हेल्दी रहेगा। प्लांट में व्हाइट कलर के फूल आते हैं, देखिए इसमें ये कलियां लग गई हैं, मगर अभी हमें इसे कलियों को हटाना होगा ताकि ये पिंचिंग कर देते हैं और भी ब्रांचेस नहीं आएंगी। व्हाइट कलर के फूल आते हैं, उसी में सीड्स आते हैं जिस सीड से हम नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वैसे कड़ी पत्ता अपने जड़ों से नए प्लांट ग्रो करता रहता है, साइड से नए नए प्लांट निकलते रहते हैं जिसे डिवाइड करके हम अलग लगा सकते हैं, ताकि आप जान रहे हैं कि ये पेरिनल प्लांट है, यानी कि हमेशा आपके साथ रहने वाला प्लांट है। और अगर आपने एक बार अपने गार्डन में इसे ऐड कर लिया तो ये इतने सारे आपको पब्स प्रोवाइड कर देगा, रूट से निकलेंगे, फिर सीड से आप प्लांट बना सकते हैं, आपको दोबारा इसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे प्लांट हो जाएंगे कि आप अपने फ्रेंड्स में भी अच्छे से बांट सकते हैं। मैंने पहली बार ही इस प्लांट को अपने फ्रेंड के यहाँ से ही मांग के लाया था और अब हमारे पास सैकड़ों प्लांट हो गए हैं, मतलब कि प्रोपोगेशन बहुत आसान है।
तो देखिए हमारा ये करी पत्ता जिसकी हमने पहले पिंचिंग कर दी थी उसमें नई ग्रोथ दिख रही है आपको, और कितनी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की। तो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीनों में आप इस पे किसी भी तरह के फर्टिलाइजर को मत डालिएगा। फरवरी के बाद जब आप इसकी कटिंग पिंचिंग कर दे, इसकी मिट्टी अच्छे से साफ कर दे, उसके बाद गुराई करने के बाद गमले के साइज के अनुसार, अगर आपका गमला 10 इंच का है तो 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर आप गोबर की खाद, पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें, उसमें आप थोड़ा सा सीविड मिला दें, क्योंकि सीविड भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, सीविड ग्रैनुल्स, उसे मिला के आप इसकी जड़ों में प्रोवाइड कर दें हर 2-3 महीने पे। फरवरी के बाद हर 2-3 महीने पे आप इस फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। साथ में सीविड लिक्विड का इसकी पत्तियों पे आप स्प्रे करें, 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम मिलाएं और इसकी पत्तियों पे अच्छे से स्प्रे कर दें। साथ ही आप किचन वेस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर इसकी जड़ों में हर 2-3 महीने पे यूज करते रहिए। आपका प्लांट काफी हेल्दी रहेगा और काफी बूसी दिखेगा। जैसा कि आपको मैं इस प्लांट पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जहाँ से कट करते हैं वही से नई ग्रोथ निकलती है। देखिए ऊपर से मैंने जहां टिप कटिंग किया वहां से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ निकल रही है। ये प्लांट हमारा सेडी एरिया में रखा है इसलिए आप देख सकते हैं। और देखिए इसकी रूट एक पॉलीबैग में लगा था जो कि फट गया है, लेकिन फिर भी ये प्लांट काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसे हमने सेडी एरिया में रखा है इसलिए ये बहुत लंबा हो गया है, लेगी हो गया है और इसकी पत्तियां ऊपर में आ रही हैं। रूट से निकलते हुए प्लांट को मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से ये रूट से नए नए प्लांट निकालता है जो कि आप अलग करके नए गमले में लगा सकते हैं। अगर आपके पास करी पत्ता का प्लांट नहीं है तो अभी आप नर्सरी से ला सकते हैं। मार्च के महीने में आप इसे अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए ताकि नए सीजन में ये अच्छी ग्रोथ ले और आपको ढेर सारी पत्तियां प्रोवाइड कर सके। तो आप भी अपने गार्डन में करी पत्ता को जरूर ऐड कीजिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं करी पत्ता के बारे में पूरी जानकारी आपको दे सकूं। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मैं फिर मिलती हूँ। थैंक यू।